स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 विज्ञान, और उसमें अध्याय नंबर 9 चल रहा है हमारा, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन हमने इससे पहले क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब और इससे आगे के बारे में। तो प्रतिबिंब यानी इमेज क्या होता है कि जब हम किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखें तो दर्पण में उस वस्तु की एक आकृति बन जाती है। इस आकृति को ही हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो आइए लिखेंगे, जब दर्पण के सामने एक वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में वस्तु की एक आकृति बन जाती है, इस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जब दर्पण के सामने हमने एक वस्तु रखी तो दर्पण में वस्तु की एक आकृति बन जाती है, इस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात इस बात को इस प्रकार से भी समझेंगे, अर्थात जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो यानी जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तन के यानी प्रकाश की किरणें एक परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। आगे प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। यानी प्रतिबिंब को हमने दो प्रकार में बांटा है, नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर दो आभासी प्रतिबिंब। तो नंबर एक हो जाएगा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। नंबर दो होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के गुण। तो वास्तविक प्रतिबिंब के गुण क्या होते हैं? नंबर एक,
वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब वास्तव में प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब वास्तव में प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटती हैं। नंबर दो, यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है उल्टा बनता है। नंबर तीन, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब से संबंधित हमने तीन गुण लिए हैं। नंबर दो, आभासी प्रतिबिंब के गुण। अब आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? यह प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं। तो लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब के गुण। नंबर एक, यह प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है। प्रतिच्छेदित करती नहीं है, प्रतीत होती है बस। नंबर दो, इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो लिखेंगे इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके फोटो लिए जाते हैं, बल्कि इस प्रतिबिंब के फोटो लिए जा सकते हैं। नंबर तीन है, यह प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, ये आभासी प्रतिबिंब के तीन गुण हैं। हमारा दर्पण यानी मिरर, दर्पण क्या होता है? तो देखिए, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम यानी तल के एक पृष्ठ पर कलाई करके या लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ बना दें तो यह निकाय हमारा दर्पण कहलाता है। तो लिखेंगे यदि किसी चिकने चिकने पारदर्शी माध्यम
तल पर कलई या लाल ऑक्साइड ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। तो दर्पण क्या हो, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम यानी तल पर कलई करके या लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दें तो यह निकाय हमारा दर्पण कहलाता है। तो देखिए, दर्पण को हम दर्पण आकृति के आधार पर दो प्रकार से बांटेंगे, यानी दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण को आकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक होता है हमारा समतल दर्पण और नंबर दो होता है हमारा गोलीय दर्पण। आगे समतल दर्पण, यानी समतल दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। यानी इस प्रकार की जो आकृति होती है ये हमारे समतल दर्पण की है। एक समतल दर्पण, इनका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो समतल होगा, यानी प्लेन होगा बिल्कुल, तो उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। हम समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण, यानी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण क्या होते हैं। तो नंबर एक, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। तो लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा बनता है। नंबर दो, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार के बराबर बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। वस्तु के
आकार के बराबर होता है, यानी जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और इसका उपयोग हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखने में करते हैं। तो ये समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के कुछ गुण थे। आगे है गोलीय दर्पण। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या हम कलाई कर दें तो प्राप्त दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो लिखेंगे यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर एक आ जाएगा आपका अवतल दर्पण। नंबर दो उत्तल दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार का हो जाएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, तो देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात जो केंद्र होगा उसकी ओर वक्रित होता है उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये एक अवतल दर्पण है। ये हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, बाहर की साइड कलाई या पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है। तो लिखेंगे अवतल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की
और व्यकृत होता है, व्यकृत होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो देखिए हमारा एक अवतल दर्पण है, ये हमारा क्या है, एक खोखले गोले का काटा हुआ भाग है। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर है, यही हमने लिखा है कि एक ऐसा गोले दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होगा, अर्थात गोले के केंद्र की ओर होगा, परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर है, और वक्रित होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। आगे नंबर दो है हमारा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये एक उत्तल दर्पण है, इसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, अवतल दर्पण में अंदर की ओर था, कलई या पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है ये। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, एक ऐसा गोलीय दर्पण, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है।